हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोज़ेस किचन। जैसे कि आप सबको पता है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और हर पंजाबी के यहाँ पिनियाँ बनती हैं। मुझे भी आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज पिनियाँ बनाना सिखाएं। तो आए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं पिनियाँ किस तरह से बनाती हूँ। तो चले तैयारी शुरू करते हैं। पिनियाँ बनाने के लिए मुझे जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने आधा किलो आटा ले लिया है, साथ ही में मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है, ये मैंने 450 ग्राम लिया है, और चीनी, पिसी हुई चीनी, ये मैंने 350 ग्राम ली है, और ये पीठी है, इसको माँ की दाल की पीठी, माँ की दाल का आटा भी बोल सकते हो आप इसको, ये मैंने 100 ग्राम ले लिया है, और ये चीड़ है जिसको की गोंद भी कहते हैं, ये मैंने 50 ग्राम ले ली है, और ये ड्राई फ्रूट्स है जिसमें की बादाम, काजू, पिस्ता, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। कई लोग इसमें किशमिश भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो मैं किशमिश नहीं डालती हूँ। तो आए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीर को पीस लेते हैं, इसको ग्राइंडर में बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। ये देखिए, गोंद को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लिया है। तो चले अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देसी घी कढ़ाई में डाल देंगे। अब ये घी मेल्ट हो चुका है, गैस को हम बिल्कुल मीडियम पे कर देंगे, ना लो रखेंगे ना हाई, बिल्कुल मीडियम पे हमें ये पिनियों को भूनना है। सबसे पहले घी में मैं ये माँ की दाल की पीठी डाल दूंगी, जिसको कि माँ की दाल का आटा भी बोलते हैं, और कई लोग इसको उड़द की दाल का आटा भी बोलते हैं। ये भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाती है, इसलिए इसको 5-10 मिनट ज्यादा भूनेंगे हम। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस को स्लो करके फिर इसमें धीरे धीरे आटा ऐड कर दूंगी। गैस को स्लो कर दीजिएगा इस समय। और अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लीजिए। इसको भूनते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए घी भी अलग हो रहा है, आटा छोड़ रहा है, घी छोड़ रहा है आटे को, देखिए आपको समझ आ जाएगा, और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, कलर इसका थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश कलर आ जाएगा, और आपको भूनने की खुशबू भी आ जाएगी, उससे भी पता चल जाएगा कि आटा भून चुका है। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट मैंने इसको भूना है मीडियम गैस पे, और अब मैं गैस को स्लो कर दूंगी और इसमें ये जो चीड़ मैंने पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी, उसको डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से हिला लूंगी ताकि चीड़ अच्छे से फूल जाए इसी के साथ घी में। कॉन्टिन्यूसली स्टर करना है इसको, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये लीजिए, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, गोंद बिल्कुल फूल गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम ये चीनी ऐड कर देंगे, जो कि पिसी हुई चीनी है, और अच्छे से मिला लेंगे इसको। बहुत ही अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि इक्वली हर जगह पे मिक्स हो जाए, आटे के साथ चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, और ध्यान रखिएगा ये हाथ पे ना गिर जाए, ये बहुत ही गर्म होता है, हाथ जल सकता है इससे, तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये बिल्कुल चीनी अलग से नहीं दिख रही, ड्राई फ्रूट्स, चीनी और आटा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर आने तक छोड़ देंगे और फिर हम इसकी पिनियां बनाएंगे, अदरवाइज ये हाथ में लेंगे तो ये बहुत ही गर्म है और हाथ जलने का डर है, तो हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं और फिर हम इसकी पिनियां बनाएंगे। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं, तो आए अब इसकी पिनियां बनाते हैं।
ऐसे लेके हाथ में इसको अच्छे से फोल्ड। आपको जैसा भी साइज पसंद है आप उस साइज की बना सकते हो। अगर आपको गोल पसंद है आप गोल बना सकते हो, अगर ओवल शेप में पसंद है तो आप ओवल शेप में भी बना सकते हो। मेरे तरीके से पिंडियां कैसे बनती हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं पिंडियां बनाने के। कई लोग इसमें सूप भी डालते हैं, कई लोग इसको खोए के साथ बनाते हैं, बहुत बहुत अलग अलग चीजें डाल के बनाते हैं लोग। लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और अगर आपको इसमें सूंड यानी कि जिंजर पाउडर ऐड करना है तो जिस समय हमने चीड़ डाली थी उसी के साथ आप इसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल दीजिएगा। और आधा किलो आटे में आप 15 से 20 ग्राम डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो अभी तो ये गर्म है और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये थोड़ी सेट हो जाएगी। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। मजा आ गया सर्दियों का। तो आप भी जाएं और बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको और कौन सी रेसिपी मेरे से चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट में जाके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, रब राखा।